पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश की पोयम 3B द बोल्ड पोयम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉर्ट सी पोयम है, लेकिन बहुत डीप मीनिंग इसमें दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम। पोयम में यहाँ पे पोएट ने बताया है कि किस तरीके से किसी चीज को खोने का दर्द और तकलीफ इंसान को टॉलरेट करना होता है और उसी को एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे लाइफ में बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे रीडर्स दो तरीके से इस पोएम को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर लिटरली देखा जाए तो यहाँ एक बॉय के बारे में बताया गया है जिसकी बॉल खो जाती है और वो बॉल उसकी बहुत सारी मेमोरी से अटैच होती है, इसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ होती है। लेकिन पहली बार वो लाइफ में सीखता है कि इट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि गेनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पाना और खोना जिंदगी का एक हिस्सा है। और अगर मेटाफोरिकली देखा जाए तो ये जो पोयम है ये पूरी मैनकाइंड को बिलोंग करती है, क्योंकि हर इंसान को लाइफ में कभी ना कभी बहुत कुछ खोना होता है और वो किस तरीके से उसको बियर करता है, उसको टॉलरेट करके उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके पैशन के साथ आगे बढ़ना सीखता है। तो जो पोयम है ये बहुत ही सक्सेसफुली डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से लाइफ में हम लूज करते हैं, बहुत कुछ चीजें होते हैं, लेकिन फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेंजर। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज इट टू डू, आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वॉटर। पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि अब वो बच्चा क्या है जिसने अपनी बॉल खो दी है, यानी कि एक बॉय है जो कि प्लेइंग कर रहा है अपनी बॉल के साथ, लेकिन वो बॉल उसके हाथ से निकल जाती है और मेरीली बाउंसिंग मतलब हैप्पीली चीयरफुली वो बॉल जंपिंग करते हुए उसके हाथ से निकल कर स्ट्रीट में चली जाती है और स्ट्रीट में फिर वो जंपिंग करते करते हैप्पीली जंपिंग करते करते वॉटर में गिर जाती है। तो एक बॉय जो कि खेल रहा है अपनी बॉल के साथ, वो बॉल उसके हाथ से निकल जाती है और हैप्पीली जंपिंग करते करते वॉटर में गिर जाती है। तो एक बॉय ने अपनी बॉल खो दी है, अपनी गेंद खो दी है और लाइफ में पहली बार वो सीखता है कि खोने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। वो जो बॉल है उसकी बचपन की मेमोरीज के साथ अटैच्ड है, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। तो यहाँ पे जो बॉय है उसका जो इनोसेंस है, उसका जो भोलापन है, वो धीरे धीरे लाइफ की रियलिटी के साथ, लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ चेंज हो रहा है और वो ये समझ रहा है कि ये चीज मेरी है, यानी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी डेवलप हो रहा है और उसको खोने का एहसास भी उसको हो रहा है। तो यहाँ पे उसकी लाइफ में डेवलपमेंट हो रहा है और वो सीख रहा है कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है जिसमें हमें बहुत कुछ खोना होता है। तो लेट्स सी लिटरेरी डिवाइस, जो वर्ड और वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है वो एनाफोरा, क्योंकि जो वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट होते हैं दैट इज कॉल्ड एनाफोरा, और जो वोवेल साउंड रिपीट हो रहे हैं दैट इज एजोनेंस। और जब पोएट कह रहा है कि जो बॉल है वो हैप्पीली जंपिंग करते हुए स्ट्रीट में जा रही है फिर वॉटर में गिर रही है, दैट इज इमेजरी, और यहाँ पे वर्ड का रिपीटेशन भी हुआ है। तो लेट्स सी नेक्स्ट। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये कहने से कोई फायदा नहीं होगा कि अरे दूसरी बॉल्स भी तो हैं, अगर एक बॉल गुम गई है खो दी है तो देर आर अदर बॉल्स ऑल्सो, बहुत सारी बॉल्स हैं जिसके साथ तुम खेल सकते हो, लेकिन ये जो दुख बॉय ने झेला है दैट इज अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, यानी कि ये एक ऐसा दर्द है जिसने उसको अंदर तक हिला दिया है, यानी एक वो छोटा बॉय है और एक छोटा लड़का है जिसके लिए वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो उसको एक बहुत ही ज्यादा गहरा दुख पहुंचा है और वो फिर बहुत देर तक रिजिड होकर वहां पे हार्ड होकर फिक्स होकर कांपता हुआ उस बॉल को देखता है जो कि वॉटर में चली गई है, स्टेरिंग मतलब कंटिन्यूसली देखता जाता है उसको, क्योंकि उसकी जो बॉल के साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, तो वो उस बॉल को बहुत देर तक कांपता हुआ घूरता हुआ और फिक्स नजरों के साथ देखता रहता है और वो हार्बर पे खड़ा है, यानी कि वो उस पोर्ट पे यानी उस किनारे पे खड़ा हुआ है जहां पे उसकी बॉल खो गई है, जहां पे उसकी बॉल चली गई है। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि अब समझाने से कोई भी फायदा नहीं होगा कि वो और भी तो बॉल्स हैं तुम उसके साथ खेल सकते हो, लेकिन क्योंकि उसकी जो स्पेशल बॉल थी जिसके साथ वो अटैच था वो बॉल अब खो गई है, तो वो दर्द उसके लिए बहुत ज्यादा
गहरा है, उसको इमोशनली एक तरीके से वो अटैच थी और यहाँ पहली बार वो चीजों को खोने का एक एक्सपीरियंस भी करता है. लेट्स सी नेक्स्ट. आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उसकी जो मैटर है यानी कि उसकी जो बॉल खो गई है और वो बॉल को देखता है बहुत देर तक, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं उसमें उसके मामले में बीच में नहीं बोलूंगा. अगर हम उसको डाइम दें, डाइम मीन्स कोई कॉइन या पैसा या फिर कोई दूसरी बॉल दें, तो उसकी कोई कीमत नहीं है उसकी नजरों में. यानी उसकी जो बॉल खोई है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उसके लिए और उसकी मेमोरीज अटैच थी. तो अब हम चाहे कितने भी पैसे उसको दे दें या बॉल उसको दूसरी दे दें कि हम और पैसे से और बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसकी जो स्पेशल बॉल थी वो अब खो गई है. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब वो पहली बार एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का, एक जिम्मेदारी का एहसास करता है इन द वर्ड ऑफ पोजेशन. वर्ड ऑफ पोजेशन का मतलब होता है कि एक वर्ड ऑफ मटेरियलिज्म, यानी कि एक पैसों की दुनिया जिसमें हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है लेकिन फीलिंग्स और इमोशंस को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस अटैच होते हैं जो कि हम पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि हम चाहे बॉय को नई बॉल के लिए पैसे देते हैं और कितनी भी नई बॉल्स भी लाके दे दें, लेकिन उस लड़के के लिए जो उस बॉल की वैल्यू थी वो कोई और जगह उसके लिए नहीं ले सकता है. और यहाँ पे वो एक जिम्मेदारी का एहसास करता है, वो एक फीलिंग का एहसास करता है कि अपनी चीज खोने का दर्द कैसा होता है. तो यहाँ वो ये भी समझेगा कि ये चीज मेरी है और उसको किस तरीके से वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये पूरी पोजिशन की दुनिया है, एक तरीके से मटेरियलिस्टिक दुनिया है जिसमें हर चीज को पैसे से कंपेयर किया जाता है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो इमोशनली अटैच्ड होती है जिसको हम मनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मनी के साथ हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी उसकी जगह मनी नहीं ले सकता, पैसा उसकी जगह नहीं ले सकता, और जो चीज खो दी है वो लाइफ में फिर कभी भी नहीं मिल सकती है. तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी कंजक्शंस यूज नहीं किया है, अ टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस में. तो यहाँ पे एसेंटेट ऑन लिटरेरी डिवाइस है. तो लेट्स सी नेक्स्ट. पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल. अब यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, यानी कि उसकी जो अटैच्ड चीजें हैं या उसकी जो हैप्पीनेस वाली चीजें हैं वो लोग ले लेंगे. यानी कि ये दुनिया ऐसी है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें खोनी होती है और वो जो बॉय है वो भी आगे जाके बहुत कुछ खोएगा, लेकिन कोई भी न्यू बॉल या कोई भी पैसा उसकी जगह नहीं ले सकता है. मनी इज एक्सटर्नल, मनी को एक्सटर्नल बोला है, एक आउटसाइड की चीज बोला है, क्योंकि मनी के साथ हमारी इमोशंस अटैच नहीं हो सकते हैं. लेकिन जो चीजें हैं या जो इंसान है जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही अटैच्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनकी जगह कोई नहीं रह सकता है. तो एक्सटर्नल यहाँ पे वो चीज है जो कि जिसके साथ हमारी फीलिंग अटैच नहीं है. तो पोएट यहाँ पे कह रहा है, जनरलाइज कर रहा है पोएट कि बहुत सारी चीजें खोएंगी लाइफ में, ये तो स्टार्टिंग है, और इसी के साथ बॉय को रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसका जो इनोसेंस है वो भी धीरे धीरे खो जाएगा और वो लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा कि गेन और लूज तो एक लाइफ का पार्ट है और मनी तो एक्सटर्नल है. मनी हम सामान खरीद सकते हैं लेकिन फीलिंग और इमोशंस नहीं खरीद सकते, या फिर वो सामान जो खो गए हैं उनके साथ हमारी जो अटैचमेंट है वो किसी और के साथ वापिस नहीं हो सकती. इसी तरीके से जो बॉय की जो बॉल खो गई है वो बॉल उसकी मेमोरीज को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज के साथ अटैच्ड है. चाहे कितनी भी बॉल खरीद ली जाए लेकिन वो उसकी उस मेमोरीज को रिप्लेस नहीं कर सकती जो उस पुरानी बॉल के साथ अटैच थी. तो यहाँ पे जो बी साउंड का जो रिपीटेशन हो रहा है, बाय इज ए बॉल बैक, दैट इज कॉल्ड अलिट्रेशन. अलिट्रेशन में एक जैसा साउंड रिपीट होता है और बॉल को यहाँ पे कई बार रिपीट किया है टू एम्फेसिस द बॉल, क्योंकि बॉल यहाँ पे एक मेन थीम की तरह ली है, क्योंकि बॉल के साथ उसकी बहुत सारे अटैच्ड हैं मेमोरीज. तो चाहे कितना ही पैसा दे दें, कितनी ही बॉल्स वापस दे दें, लेकिन वो वाली बॉल जो खो गई वो वापस नहीं आ सकती. तो लेट्स सी नेक्स्ट. दिस इज द लास्ट स्ट्रेंजर ऑफ द पोयम. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नोज एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप.
यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो अपनी डेस्परेट आइज से सीख रहा है, यानी कि अब उसको थोड़ा होपलेस है, वो निराश है क्योंकि उसकी जो फेवरेट बॉल है वो खो गई है। तो लेकिन यहाँ पे उसकी लर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, वो सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग होता है नॉलेज। अब वो क्या सीख रहा है? खोना, यानी किसी चीज को खोने की अंडरस्टैंडिंग सीख रहा है कि ये लाइफ का है पार्ट है और उसको खोने के बाद किस तरीके से खड़ा रहना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और वो साथ ही ये सीख रहा है कि हर इंसान लाइफ में बहुत कुछ होता है और उसको खोते हुए वो फिर भी एक्सेप्ट करके पैशन के साथ आगे बढ़ना सीखता है। तो साथ ही एक चीज वो ये भी सीख रहा है कि जो चीज हमारी है, जिसके साथ हमारी फीलिंग्स अटैच्ड है, वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है, उसको वैल्यू कर लेना चाहिए क्योंकि एक बार खोने के बाद हम उसको वापस पा नहीं सकते हैं। तो पोएट यहाँ पे बता रहा है कि जो उसकी बहुत सारी मेमोरीज अटैच्ड है वो बॉल अब खो गई है और वो खोने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग सीख रहा है, नॉलेज सीख रहा है कि किस तरीके से अपनी चीजों को खो के हमें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। एंड दिस इज द साइकिल ऑफ द लाइफ। ये लाइफ का एक साइकिल है, एक चक्र है जो कि चलता रहता है, पाना और खोना चलता ही रहता है। और इसी तरीके से जितने भी लोग दुनिया में आए उन सबको खोना है, कोई भी परमानेंट नहीं होता है, लेकिन उसको खोते हुए भी हमें आगे बढ़ना होता है, लाइफ को चलाना होता है। तो यहाँ पे जो वॉबल साउंड ई रिपीट हो रहा है, दैट इज रेजोनेंस। और यहाँ पे इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई है। तो लेट्स सी नेक्स्ट द थीम ऑफ द पोएम। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है पोएम का, कि बहुत सारी चीजें जो हमारे पास होती हैं, बहुत सारे इंसान जो हमारी लाइफ में होते हैं, वो एक दिन हमें खोने पड़ते हैं, लेकिन हमें सीखना पड़ता है कि ऐसी सिचुएशन को किस तरीके से फेस किया जाए और लाइफ में जितनी भी लॉस है उसको किस तरीके से करेज के साथ टॉलरेट किया जाए, बियर किया जाए। साथ ही हम ये भी सीखते हैं कि हमारी फेवरेट पोजीशंस को लाइफ में हमें खोना ही है और फ्यूचर में जाके ये चीज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी बच्चा अभी तो बॉल खो गई है उसकी, वो बॉल का लॉस बर्दाश्त करना सीख रहा है, आगे जाके लाइफ में बहुत कुछ खोना होता है, उसको किस तरीके से हिम्मत के साथ करेज के साथ हमें फेस करना है लाइफ की सिचुएशन को। और साथ ही जो दर्द है, तकलीफ है, हमें उसके खोने के साथ बर्दाश्त करनी होती है, उसे बहुत ही पेशेंस के साथ बर्दाश्त करना होता है। और इट इज द लाइफ, इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, यही लाइफ की सच्चाई है। तो हमें इस रियलिटी को, ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हुए, बहुत सारे लॉस को बियर करते हुए, टॉलरेट करते हुए पेशेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो यही मेन थीम है इसका, यही मेन सेंट्रल आइडिया है कि इस करेज और होप के साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है। साथ ही हम ये भी सीखते हैं कि लाइफ इज वेरी प्रीशियस, लाइफ बहुत ही कीमती है और हमें लाइफ के हर मोमेंट को चेरिश करना चाहिए, हैप्पीली स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जो वक्त भी एक बार चला जाता है वो फिर कभी नहीं आता है। तो जो भी चीजें हमारे पास है, जो भी इंसान हमारी लाइफ में है, वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि एक बार ये सब खोने के बाद चाहे हम कितना ही पैसा या कितना ही चीजों के साथ उसको रिप्लेस करें, वो हमारे इमोशनली अटैचमेंट नहीं हो पाता है, वो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज की वैल्यू करनी चाहिए क्योंकि एक बार खोने के बाद वो दोबारा नहीं मिलता है, और इन सब लॉस को बियर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए हिम्मत के साथ। तो आई होप कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।